एजुकेशन लिफ इंडिया में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे व्हाट इज स्क्वेंस स्क्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजुअली नंबर दैट आर इन ऑर्डर यानी कोई भी चीज़ किसी भी ऑर्डर में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखने पर हम उसमें स्क्वेंस कह सकते हैं स्क्वेंस जैसे कि एग्जाम्पल है थ्री फाइव सेवन और नाइन सब में टू टू का डिस्टेंस है तो इसमें जो थ्री है वो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दे आर डोट्स मैनी गोस टू फॉर एवर यदि डोटोट है तो वो क्या जाएगा गोज ऑन फोर एवर इनफिनिटी तो इसमें जो टर्मे है या तो उनको हम टर्म कहेंगे एलिमेंट कहेंगे या मेम्बर सबका नाम सेम है तो देखते हैं फाइनाइट 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 और फानाएट और द यदि sequence goes forever है तो वो क्या है इनफाइनाइट टाइप का स्क्वेंस है किस टाइप का स्क्वेंस है इन टाइप का वो स्क्स है और अदरवाइज इट इज ए फाइनाइट इन ऑर्डर वी से द टर्म आर इन ऑर्डर वी आर फ्री टू डिफाइन वट ऑर्डर दैट इज़ यानी ऑर्डर का मतलब है कि हम बता सकें कि कौन सा नंबर किस ऑर्डर पर रखा गया है ठीक है तो इन ऑर्डर का मतलब यहाँ है कुड भी किस तरह के हो सकते हैं फॉरवर्ड टाइप में बैकवर्ड टाइप में या अल्टरनेट टाइप में एनी टाइप ऑफ ऑर्डर वी वांट जैसा भी हम चाह सकते हैं जैसे ये है तो ये क्या है इनफाइनाइट है सिंपल स्क्वेंस हमारा वन टू एन का इनफाइनाइट स्क्वेंस ये क्या है टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव थर्टी

और ये क्या है हमारा अल्टरनेटिंग स्क्स जीरो वन जीरो वन जीरो इस तरह से तो आपको लगभग समझ में आ गया हो कैसे कैसे हैं लाइक ए सेट क्या सेटेंस सेट की तरह हो सकता है स्क्वेंस और सेट में एक डिफरेंस है ऑर्डर का वो क्या है ए स्क्वेंस इज लाइक ए सेट एक्सेप्ट क्या छोड़ सकते हैं द टर्म इन आर ऑर्डर विद द द सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर सेट में एक ऑर्डर क्या होता है कोई मायने नहीं रखता किसी को कहीं भी रख सकते हैं स्क्वेंस में ऑर्डर आइंग द सेम वैल्यू कैन अपीयर मेनी टाइम्स स्क्वेंस में एक ही तरह की वैल्यू काफ़ी बार रिपीट हो सकती है लेकिन सेट में क्या है ओनली वंस जैसे कि एग्जाम्पल ये एक सेट है सॉरी एक स्क्वेंस है इस तरह से जीरो वन जीरो वन जीरो वन इस तरह से इज ए स्क्वेंस ऑफ ए अल्टरनेटिंग जीरो एंड वन बट इसी का जो सेट रखेंगे वो इस तरह का होगा तो आपको सेट और स्क्वेंस में डिफरेंस पता लग गया होगा नोटेशन नोटेशन कर्ल ब्रैकेट में लिखा जाता है सेट की तरह ही नोटेशन इज द सेट लेट ईच एलिमेंट सेपरेट बाय कोमा सभी एलिमेंट कोमा सेपरेट किए जाते हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है रूल तो जो स्क्वेंस है वो स्पेशल टाइप का रूल होता है या फंक्शन होता है ठीक है तो क्या है एक रूल विच इज ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ट्रम एक ऐसा रूल जिसमें हर ट्रम को निकाला जा सकता है फर्स्ट ट्रम को सेकेंड ट्रम को थर्ड ट्रम को और फोर्थ ट्रम कोस स्टार्ट एट थ्री एंड जंप टू एवरी टाइम जंप कर देंगे तो हमें इससे पता लग जाएगा कि हमें कौन सी ट्रम निकालनी है जैसे थ्री से स्टार्ट हुआ तो फाइव फाइव में टू जोड़ दिया सेवन ये थर्ड टर्म आ गई फोर्थ टर्म आ गई और फिर ये नेक्स्ट आ गया और इससे नेक्स्ट वाली एज ए फार्मूला तो सेंग स्टार्ट एट द थ्री जम्प टू एवरी टाइम इज ए फाइन बट इट डज नॉट हेल्प द कैलकुलेटिंग दैन तो टेंथ ट्रम निकाल लेंगे हम हंड्रेड ट्रम निकाल लेंगे तो ये सभी टर्में हम उसकी निकाल सकते हैं सो वी वॉन्ट टू ए फार्मूला इनको निकालने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट वी कैन यूज द स्क्स गोज अप टू टू एवरी टाइम तो सबसे पहले तो हर बार टू आ जाए इसके लिए जाएंगे सो वी कैन गैस दैट ए रूल इज़ समथिंग लाइक टू टाइम्स एन तो टू टाइम्स एन हो जाएगा तो थर्ड टर्म थ्री होनी चाहिए तो टू एन फाइव में फोर और सेवन और फाइव तो टू एन तो आ जाएगा नियरली वर्क बट इट इज़ टू लो बाई वन एवरी टाइम ये क्या है एक छोटा है हर बार से तो हम इसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो इस स्क्वेंस का ये बनेगा टू एन प्लस वन दैट्स वर्क तो इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं तो मैनी रूल हैं एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वेंस थ्री फाइव सेवन नाइन वी हैव जस्ट शोन ए रूल ऑफ थ्री फाइव इज टू एन प्लस वन एंड सो वी गेट सो ऑन द एलिमेंट वी फाउंड ओड नंबर विदाउट ए नंबर यानी ओड नंबर हैं जिसमें सिर्फ एक नहीं है एक कंप्लीट डिफरेंट स्क्वेंस

प्लस वन इजकअल टू वन जीरो वन हंड्रेड वन कितना आएगा वन जीरो वन फोर फिफ्टी एट टर्न अब देखिए कैलकुलेट कीजिए ये भी एक तरह का स्क्वेंस है इसमें क्या आएगा स्क्वेंस क्या है माइनस वन बाई एन की पावर एन तो ए वन माइनस वन माइन वन बाई फोर वन स्टाइट इस तरह से ये भी एक तरह का स्क्वेंस है अर्थमेटिक स्क्वेंस अर्थमेटिक में क्या होगा कि उसमें कॉमन डिस्टेंस होगा कॉमन डिस्टेंस का मतलब है कि पहली में से दूसरी घटा दें दूसरी में से इसमें से ये घटा दें या इसमें से ये इसमें से ये या इसमें से ये तो डिस्टेंस क्या आना चाहिए सेम तो कितने का डिस्टेंस है थ्री का तो यहां से हमें क्या आ जाएगा अर्थमेटिक रूल क्या हो जाएगा इसका थ्री एन माइनस टू और ज्योमेट्रिक में क्या आएगा कि वो गुना सेम होनी चाहिए हर बार उसका रेशियो क्या आ जाएगा सेम जैसे टू का इसमें टू से गुना है फिर टू से गुना है फिर टू से गुना है फिर टू से गुना फिर टू से फिर टू से फिर टू से इस तरह से हर बार टू गुना होता जाएगा तो रूल क्या आएगा एक्स एन टू है यह हमारा क्या होगा ज्योमेट्रिकल स्क्वेंस तो ए एन इज़ द फर्स्ट टर्म आर इज़ द फैक्टर बिटवीन द टर्म आर जो कॉमन फैक्टर है जो बार बार गुना हो रहा है तो आर शुड बी नोट बी जीरो नहीं होगा तो जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा तो हम इसको कहते हैं ए आर आर की एन माइनस वन इस तरह से वो लिखा जाएगा जो ए है वो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म और आर क्या है जो हमारा रेशियो है फैक्टर है जो हर बार गुना हो रहा है ट्रेंगुलर नंबर ट्रेंगुलर नंबर इज जनरेटेड फ्रॉम ए पैटर्न ऑफ डॉट्स वीच फ्रॉम ए ट्रेंगुलर जिससे वन है टू है फिर थ्री है फिर फोर फिर फाइव फिफ्टीन डॉट्स ठीक है इस तरह से तो इसका क्या जाएगा Xn, n, n 1 2. आ जाएगा हमारा एक्स एन 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 प्लस वन बाई टू ये आ जाएंगे हमारे कितने डॉट उसमें यूज होंगे फिफ्थ ट्रेंगुलर नंबर इज फाइव फाइव प्लस वन बाई टू इजकल टू फिफ्टीन डॉट एंड सिक्स में कितनी आ जाएंगी एक केस. इस तरह से ये इसका फार्मूला बन जाएगी स्केयर में सब चीज़ें स्केयर हो रही हैं तो एक्स की एन का स्केयर क्यूब में क्यूब हो जाएंगी वन एट नाइन टेन सेवन इस तरह एक्स एन क्या हो जाएगा एन की थ्री फोबिनिक सिक्वेंस फोबेनिक सिक्वेंस क्या कहता है कि वो जोड़ता चला जाता है पहले दो को इसको और इसको जोड़ा पहले दो को जोड़ा तो वन आ गया फिर वन और टू को जोड़ा तो टू आ गया इस तरह से इसको जोड़ा तो ये आ गया इसको जोड़ा तो ये ऐसे जोड़ते चले जाएंगे हम जोड़ जोड़ों में तो ये वैल्यू आती चली जाएंगी हमारी फोबिनिक है तो इसमें क्या आएगा कि जो एक्शन है वो फार्मूला क्या बन जाएगा फर्स्ट और सेकेंड लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म के लिए फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ना पड़ेगा तो एन कैसा लगा ये बेसिक ऑफ सिक्वेंस यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद